अस्सलामुअलैकुम बेटा, जैसे कि हमने जो 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, ये हमारा जो है वो 4th चैप्टर है, ठीक है। आ विज़िट के मीनिंग होते हैं एक सैर, बच्चे जो है वो सैर करने कहीं गए थे। बाकी स्टोरी आप जब इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं, मिस्टर अहमद्स क्लास हैड बीन प्लेइंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद और उनकी क्लास के बच्चे जो है वो पिकनिक के लिए तैयारियां कर रहे थे काफ़ी टाइम से। द हेड मास्टर हैड अलाउड दैम अ डे आउटिंग एंड दे वॉन्ट टू गो बाय द स्कूल बस। हेड मास्टर ने उन्हें अलाउ किया कि वह आउटिंग पे जाएं, और उन्होंने एक आउटिंग के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक बस अरेंज की। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड, वो बहुत कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा खुश थे। मिस्टर अहमद अरेंज अ विज़िट टू अ फर्म विद मिस्टर हसन। मिस्टर अहमद ने जो है वो विज़िट अरेंज करी, विज़िट फर्म अरेंज करी, फर्म कहते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर फर्म वगैरह होती है, मिस्टर हसन के साथ मिलकर। द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चर फर्म, जो कि एग्रीकल्चर फर्म के मालिक थे। इट वॉज़ अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल, बहुत खुशगवार दिन था अप्रैल में। वैन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच द मॉडल फॉर्म, जब मिस्टर अहमद और उनकी क्लास जो वो मॉडल फॉर्म में पहुंची, मिस्टर हसन रिसीव दैम एट द गेट। मिस्टर अहमद ने जो है वो रिसीव किया गेट पर एंड शोड दैम अराउंड, और उन्हें वहाँ पर रिसीव करा और शो ऑफ हो गए। मतलब मिस्टर अहमद ने, कह रहे हैं अप्रैल का दिन था, मिस्टर अहमद की क्लास जब वहाँ पर पहुँची मॉडल फॉर्म में, तो मिस्टर हसन जो है उनको रिसीव करने के लिए गेट पर चले गए। द बॉयज़ हैड नो आइडिया दैट एग्रीकल्चर फार्म कुड बी सो लार्ज, बच्चों को ये आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर फार्म जो है वो बहुत बड़ी होगी एंड इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्पी होगी। इट वॉज़ द वीट हार्वेस्टिंग सीजन, ये फसल की कटाई का मौसम था। द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन वर्किंग इन अ वर्स्ट वीट फील्ड। तुलबा की जमात ने एक बहुत बड़ी मशीन देखी जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं, वो गंदम के वसई खेतों में काम कर रही थी। गंदम के वसई खेतों में काम कर रही थी एक मशीन थी कंबाइन, बच्चों ने देखी फॉर्म के अंदर। इट कट द क्रॉप एंड टाइड इट टू द शेप, वो फसल को काटती थी और गट्ठों में बांधती थी, मतलब फसल की कटाई करती थी और जो गट्ठों में जो फसल कटती थी वो गट्ठों में बांधती थी। विथ वन स्वेप इट सीम्स टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ द गोल्डन क्रॉप विथ केम आउट टाइड इन टू द बंडल एट द अदर एंड। एक ही चक्कर में मशीन सुनहरी फसल के बड़े रुतबे को साफ कर देती थी और दूसरे सिरे पर गट्ठों में बंधी हुई शक्ल में आती थी। मतलब कह रहे हैं जब मशीन फसल को काटती थी तो गट्ठों में मतलब वो फसल को काटती थी और गट्ठों में बांधी जाती थी, एक ही चक्कर में मशीन जो है वो सुनहरी फसल के बड़े रुतबे को साफ कर देती थी। अच्छा जी, द वीट एंड वैन इंटू ट्रेशर, कह रहे हैं गंदम को फिर दाना दाना निकालने की मशीन में डाला जाता था। कह रहे हैं जो गंदम जो निकलता था उसको फिर दाना निकालने वाली मशीन में डाला जाता था, जो अनाज की बू से कह रहे हैं जो अनाज की बू से अलहदा करती थी, अलहदा कर दी जाती थी। मतलब कह रहे हैं ट्रेशर विच सेपरेट फ्रॉम ग्रेन द शेप, मतलब अनाज को जो है वो भूसे से अलग कर देती थी। द फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ द स्वीट स्मेलिंग वीट, और मशीन के एक हिस्से से जो है खुशबू आती थी जहाँ से अनाज निकलता था, और एक हिस्से से जो है वो अजीब सी स्मेल आती थी। शे फ्लू आउट एट दी अदर, अनाज के सुनहरी खुशबू आती थी और दूसरे सिरे से भूसा उड़ के चला जाता था, मतलब अजीब सी स्मेल आती थी। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई मशीन वगैरह देखी हो गन्ने वगैरह की, तो वहाँ उस पर गन्ना जहाँ से डाल रहे होते हैं वो, तो वहाँ पे खुशबू आ रही होती है, और उसके बैक साइड पे जहाँ पर वो जमा होता है, मतलब उसका जो निकाल के एंड में फेंकते हैं, तो वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। द स्टूडेंट वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट, बच्चों ने मशीन का जो काम था बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। बेटा यहाँ तक पढ़ लिया हमने, कीप इंटरेस्ट के साथ, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।